Hey guys. तो गाइस आज हम लोग कोई व्लॉगिंग के लिए हमने वीडियो स्टार्ट नहीं करी है. आज हम बात करेंगे आर्यन से कुछ इंटरेस्टिंग सी. तो आर्यन कह रहा था कि मैं अपनी थोड़ी कुछ चीजें बताना चाहूंगा अपने बारे में, क्योंकि कह रहा मेरी जिंदगी में बहुत दुख है. तो आर्यन तेरी लाइफ में कोई दुख, ऐसा कैसा दुख है तेरी लाइफ में? दुख नहीं है यार. क्या है कुछ बताना चाहेगा जनता को? वो सवाल पे डिपेंड करता है, वो कैसा सवाल होगा आपको वैसे सवाल के जवाब मिल जाएंगे. गाइस मैंने सोचा था अभी मेरी ना ऑडियंस ज्यादा नहीं है तो सवाल आए नहीं है. जो मेरे पास सवाल आए हैं वो ऐसे ऐसे सवाल हैं कि भैया कनाडा आने के लिए कितना पैसा खर्च होता है. गाइस सबसे पहले तो देखो मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ किसी का, बट यार ऑब्वियसली कोई अगर कनाडा आ रहा है तो सिंपल आंसर भाई 30 लाख लेके चलो, GIC 20,000 हो गई है. गाइस ये एक्चुअली ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को ना सबसे ज्यादा मेरे व्लॉग्स में मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट यही आते कि भैया. तो गाइज आज हम आर्यन से पूछना चाहेंगे उसकी स्कूल लाइफ के बारे में, क्योंकि आर्यन एक ऐसा बच्चा है लाइक मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसी को पकड़ा यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि जो 12th के बाद सीधे कैनेडा आ गया. वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं बट मैं नहीं आया ना 12th के बाद. मैंने अपनी मतलब ग्रेजुएशन वहीं से करी थी, इंडिया से ही, चंडीगढ़ में करी थी. उसके बाद कहते हैं मैंने फिर जॉब भी करी, थोड़ा बहुत फालतू काम भी करे, लेकिन लास्ट में मैं इधर आया. तो मतलब काफी समय के वो वाले बातें नहीं बतानी, अच्छे काम नहीं बताने लोगों को. लोगों को हमेशा बुरे काम बताने चाहिए, ठीक है? अच्छे काम शांति से करते हैं, ठीक है ना? इसने काला धन घुमाने के लिए एनजीओ खोला था. चुप, बिल्कुल चुप. तो गाइस ऐसा हुआ था कि लाइक चलो ठीक है वो तो मेरी बात है, अब मैं बहुत समय के बाद फिर उसके बाद कैनेडा आया. बट ये वो बच्चा है जो मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए रेडी हुआ, बाकी हमारे साथ एक दो जने और हैं जो 12th के बाद आए थे बट वो वीडियो बनाने में रेडी नहीं थे, तो मैं इसको पकड़ के ले आया, ठीक है ना? यहाँ पे बंदों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो एक ही हाथ लगा तो इसी को पकड़ के बिठा दिया मैंने. अब तू चुपचाप बोल मेरे सामने, ठीक है? क्योंकि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था. फंस गया. 6 साल छोटा है मेरे से, ठीक है ना? 6 साल छोटा है. और 6 साल में कितना डिफरेंस आया था स्कूल लाइफ में, मेरे को ये जानना है. क्योंकि ये कह रहा था ब्रो इसने कौन सी क्लास में सोच लिया था कनाडा आऊंगा? 8th. गाइस 8th क्लास में इसने सोच लिया था कि ये कनाडा आएगा, और 8th क्लास में मुझे ये भी नहीं पता था कि प्यारी समझ गई स्कूल लाइफ में. जैसे मान ले 10th क्लास में सबसे लौंडा, सबसे ना छाती हुलती है लौंडे की 9th और 10th क्लास में. गाइस एग्री करते हो? कौन सी क्लास में लाइक सबसे ज्यादा चौड़ आ जाती है कि हाँ भाई अब तो मर्द हो गया, हम तो बस फाड़ देंगे, अब तो हमारे आगे कोई तो बस हो गया, सब हो गया, बस कर लिया जो करना था, अब हो गया, बस 10th हो गई है, अब माँ बाप को घर से निकाल देंगे. आई एम सॉरी बाबू. तू ये बता पहले कि 9th 10th में क्या लड़ाइयाँ कैसी होती थी और हमारे टाइम का हम बताते हैं. हाँ चलो गाइस सबसे बड़े सबसे मतलब अच्छा चूतिया टॉपिक कह सकते हैं इसको, जो हर स्कूल का बच्चा करता है. करता है भाई, करता है, चाहे मैंने नहीं करी, सीबीएसई कुछ भी हो करता. मैंने नहीं करी, मैंने कभी नहीं करी क्योंकि मेरी तो फटती थी. सिंपल सी बात है, सच है, मेरी बहुत फटती थी ब्रो, मेरी तो बहुत फटती थी भाई, मैंने लड़ाई नहीं करी आज तक. ये बात सच है, मेरे स्कूल के किसी भी दोस्त से पूछ लेना. देखा मेरी सपोर्ट तो नहीं थी पीछे, बट मैं फिर ये बोल देता था कि कल ले आ जाओ जिसने आना है, ग्रुप ग्रुप वाला सीन नहीं है हमारा. कब कौन सी क्लास की बात कर रहा है बता आपको ये? नहीं, 9th क्लास की बात कर रहा है ये. अभी भी ऐसा लगता है छठी में, इसका साइज देखो एक बार, गजब बेइज्जती है. आर्यन तो बताएगा फिर अब तेरी पहली लड़ाई के बारे में स्कूल लाइफ में. पहली लड़ाई किस चक्कर में हुई थी सबसे पहले तो ये बता दे. पहली लड़ाई तो यार लड़की के चक्कर में ही होती है, सबकी सेम ही होती. Nice. लड़की का चक्कर बाबू, लड़की का चक्कर. और आई गेस मेरी फिट क्या आया था, नहीं आया था? नहीं. गाइस क्वेश्चन आया है, नहीं ये तो मेरे चाचा का मैसेज आया है. बंदी का चक्कर, बंदी के मामले में सब फंसे होंगे ना. सबसे अच्छे एडवाइस देता हूँ यार. बता जोर से बोल. थोड़ा ऐसा है सुन लेना, एनालॉजी पे ध्यान मत दो, उसकी जो फीलिंग है उस पर ध्यान दो. फीलिंग्स पे ध्यान दो. थोड़ा जल्दी बोलेगा. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. पादो मारने में इतना जोर मत लगाओ, टट्टी निकल जाएगी. गाइस बहुत ज्यादा फनी हो गया मेरे को लगता है. इसने ये चीज बोलने में इतना टाइम लगाया ना लिटरली, मुझे लगा कोई अच्छा पंच लेकर आएगा. ये तो बेइज्जती करवा रहा है मेरी. शर्म नहीं आती जो तूने बोला है? सही बता रहा, तूने एक झापड़ खाने के बाद तेरा पद निकल गया था ना साला. ये दुख का खत्म नहीं होता बे. तो हम लोग जैसे कि मैं बता रहा था, सबसे चूतिया चीज जो होती है ना लाइक स्कूल टाइम पे, वो यही होती है और सबने करी भी होगी कि लड़की के पीछे लड़ना. मैंने नहीं करी, पता नहीं क्यों, मेरी किस्मत अच्छी थी शायद, क्योंकि मेरी तो कोई बंदी नहीं बनी, मेरे को कोई मिला ही नहीं. अब मेरे कुछ दोस्त आ जाएंगे स्कूल टाइम के, वो कमेंट मार देंगे इस वीडियो के नीचे कि झूठ बोल रहा है. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. तो आर्यन कुछ और बताना चाहेगा लाइक पढ़ाई में कैसा था तुम?
स्कूल टाइम पे गाइस मेरे से तो अच्छा था क्योंकि मैंने इसकी 12th की परसेंटेज पूछी थी, क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूँ आप कितने भी बुरे क्यों ना पढ़ो। गाइस मैं आपको मोटिवेशन दूं, मैं मोटिवेशन दूं आपको, एक तू चुप रहे अभी, मैं सबको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। गाइस एक मोटिवेशन दे रहा हूँ, मैं आज कहाँ बैठा हूँ, कैनेडा में, ठीक है, मैं कैनेडा में बैठा हूँ, मतलब इसकी शक्ल देखो, इसकी देखो पहले, अब मेरी देखो, ठीक है, इसके मेरे से ज्यादा अच्छे नंबर है 12th में, जो कि बहुत बुरे हैं, तो समझ लो मेरे कितने बुरे होंगे, और तब भी हम दोनों कनाडा में बैठे हैं। तो फिर तो आप बहुत, दिस इज द बिगेस्ट फ्लेक्स, ठीक है, जो 90% वाला यहाँ पे देख रहा है कनाडा आने के लिए, 60 आए थे, 60 झूठ बोल रहे हैं, 59 थे, 59.9 थे, जो भी है 60। यार ये तो तूने गलत कर दिया, लोगों को बता दिया तूने, अब मेरे लोग जज कर लेंगे मेरे को, हमारी बीबी करके आया है, सुनो मेरे तो प्लस टू के नंबर है, सारे बीबी वाला कोर्स बताना नहीं होता है। गाइस एक बात बताओ, चलो मैंने तो इंडिया से कही, ये कनाडा आके बीबीए कर रहा है, गजब बेइज्जती है। सबसे बुरे से बुरा कोई इंसिडेंट बता दे, स्कूल में क्या हुआ था तेरे साथ, कुछ गलत हुआ था? सबसे बुरा तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तेरे को कोई बाथरूम के अंदर ले गया और चॉकलेट दे दी, फिर उसके बाद अभी मजा आएगा ना भिड़ो? ये सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा स्कूल का, कुछ सबसे बुरा बता कि मतलब क्या हुआ था, सबसे बुरे से बुरा चीज। यार इट इज अगेन रिलेटेड टू पॉटी गाइस, इसे मेरे को लग रहा है जब से पैदा हुआ है तब से टट्टी कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, मोटा मोटा ये बात है, बच्चे ने क्लासरूम में टट्टी कर दी रो के बीच में, और किसी को पता भी नहीं चला। गाइस मेरे को ऐसा क्यों लगता है मैं जिसको लेकर आता हूँ मेरी बेइज्जती करवाता है, मतलब इसने एक घंटा लगाया ये बात बोलने के लिए कि बच्चे ने क्लास में टट्टी कर दी। कुछ ऐसा बता जो मतलब तेरे को लगता है कि खाली तेरे साथ हुआ या तेरे ग्रुप में ही हुआ है और कोई कर ही नहीं सकता, कुछ ऐसा बता, लोगों को ये जानना है। 19 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, तूने टट्टी के अलावा कुछ नहीं बका अभी तक, तुमसे ना हो पाएगा, कुछ ऐसा अच्छा बता, कुछ अच्छा बता लोग, जिससे बोले कि हाँ भाई मानते हैं ना, गुदा था इनके अंदर भी, ये थे लौंडे, मर्द जो होती है, मर्द जाति का नाम रोशन किया नहीं किया उस समय तुमने, कभी स्कूल में बंदर पढ़ा है तेरे पीछे? नहीं यार हमारे वहां बंदर नहीं होते थे, कभी बीच ग्राउंड में भागा तू, तेरे पीछे बंदा दौड़ा, पूरा स्कूल देख रहा है तेरे को? नहीं, किसी के साथ तो हुआ ऐसा? Literally, मेरे ना स्कूल में बंदर होते थे, बंदर। मैं हैंड वॉश करने के लिए गया इंटरवल के बाद, तो ऊपर से बंदर देख रहा था मेरे को, मैंने उसको देख लिया, ठीक है ना, मेरे हाथ में टिफिन था, वो मेरा टिफिन देख रहा था, मेरे को लगा है मेरे को देख रहा है, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैं बंदर सही में लिटरली मजाक नहीं करा, वैसे तो हनुमान जी का रूप है बट वो खतरनाक रूप है, लेकिन गाइस जो मेरे को दौड़ाया उसने मेरे टिफिन के चक्कर में पूरे टिफिन दे देता उसे, ब्रो टिफिन छोड़ो मेरे पीछे पड़ गया, वो पूरा भागा मेरे को लेके पूरे ग्राउंड में, और पूरा मतलब पूरा उस दिन मेरा पूरा स्कूल देख रहा था, मैं छठी क्लास में था तब, मेरे साथ छठी क्लास में ही हो चुका था, और उसने लास्ट में तो क्या किया, एक झापड़ लगा दिया मेरे को बस, और मेरे हाथ में ना दो नाखून मारे थे, दो नाखून छोटे छोटे से, और उस दो नाखून मेरे को कितने भारी पड़े बता तेरे को, 5 इंजेक्शन लगे मेरे पेट में। हमारे तो तब वो स्कूल था यार, फेंस लगाई तो कुछ ऐसी बातें बता ना हमारे टाइम पे, देख ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, लाइक मेरे स्कूल में मेरे साथ हमारे टाइम पे तो यार ऐसा होता है, मेरा एक दोस्त था गोल्डी, उसके साथ भी हुई उसके पीछे भाग गया बंदर, लेकिन मेरे साथ 6th क्लास में हुई थी, उसके साथ 12th क्लास में हुई थी, तो ज्यादा बेइज्जती उसकी हुई थी क्योंकि वो बहुत बड़ा था उस समय, मेरे का वाला केस तो सब भूल गए थे, अभी कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको याद आए, मतलब होगा भी तो नहीं भी होगा पता नहीं क्यों, मैं रोने लग गया था, फिर मेरे पापा आ गए, मेरे को छुट्टी मिल गई स्कूल से, मैं इसलिए खुश था। टेंशन नहीं लेने का अपू ने ना, मैं बदनाम था स्कूल में, गाइस इतने स्कूल में बहुत ज्यादा बदनाम, कोई टीचर, मैं 10th क्लास में हूँ, मेरे को 2nd क्लास की टीचर जानती है, जो मेरी 2nd क्लास की टीचर, देख लो ये इतना बदनाम था, मतलब हफ्ते में मेरे एक बार घर वाले आ रहे हैं, मेरे पापा ने इतना भूल दिया था। तू फिर से कुछ कहना चाह रहा था, तूने कहा कि मैं जब 10th क्लास में था तो तुझे 2nd क्लास की टीचर भी जानती थी, तो इतना बदनाम था तो बच्चिया छेड़ता था, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ओ नहीं नहीं गाइस देख लो मोलेस्टर मिल गया इसको मैं इंडिया लेकर आऊंगा अपने साथ, देख लो इसने अपने मुंह से बोला है, फंस गया।